नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 29 है। दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ, मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूँ, और पार्ट वाइज में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी पार्टों को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा। क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दोस्तों, ये एक सीरीज दी गई है और यहां पे देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह है और इसी प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। दोस्तों, श्रृंखला से रिलेटेड आपकी एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा, पहले आप क्या करेंगे, श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, श्रृंखला कैसे चल रही है। कहने का मतलब है, देखिए दोस्तों, यहां 2 है, फिर 9 है, फिर 28 है, फिर 65 है, फिर 126 है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी आपको ऐसे श्रृंखला है, कहने का मतलब है 2 के बाद 9, 9 के बाद 28, 28 के बाद 65, 65 के बाद 126, यहां पे दोस्तों आप क्या करेंगे, अंतर नहीं देखेंगे। अंतर कब देखा जाता है, जब कम गैप हो, संख्याओं में कम गैप हो। यानी कि देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 7 का गैप है, यहाँ 28 हो गया, 9 से ज्यादा गैप, 28 से 65 हो गया, 65 से 126 हो गया, यानी गैप जो है ना इनके बीच काफी ज्यादा हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, ये अंतर नहीं देखेंगे, तब क्या करेंगे, हम प्रश्न को कुछ दूसरे टाइप से सोचेंगे और श्रृंखला के संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, श्रृंखला क्या स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर के करीब है या क्यूब के करीब है। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखें, ये 126 दोस्तों किसके करीब है, 125 के करीब है, करीब है कि नहीं। और देखिएगा, ये 65 किसके करीब है, ये 64 के करीब है। कहने का मतलब है, देखिए अब यहां पे मैं आपको पहले से समझाता हूं, ये दो दोस्तों क्या है, समझिएगा, ये दो क्या है दोस्तों, 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 1, और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2। ये दोस्तों, ये 9 क्या है दोस्तों, ये 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब का मतलब 2 × 2 × 2, ठीक है, यानी 2 × 2 × 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 में 1 जोड़ेंगे 9। ये 28 दोस्तों क्या है, ये 28 दोस्तों 3 का क्यूब, देखिएगा ये 28 क्या है दोस्तों, 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब क्या, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 27, 27 में 1 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। ये दोस्तों 65 क्या है दोस्तों, 4 का क्यूब प्लस क्या है दोस्तों, 1, ये 4 × 16 × 64 65, 126 दोस्तों ये क्या है, 126 दोस्तों 5 का क्यूब प्लस 1 है, 5 का क्यूब, 5 × 5 × 5, यानी 125 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 126। आगे दोस्तों क्या होगा, अब आप बताएंगे, ठीक है, आगे क्या होगा दोस्तों, देखिए 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, आगे क्या होगा, 6 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब का मतलब होता है 6 × 6 × 6, ठीक है, उसके बाद 1 जोड़ेंगे, 6 × 6 = 36 और 36 × 6 = 216, 216 में दोस्तों क्या करेंगे, प्लस 1 जोड़ देंगे तो 217 हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों क्या होगा, 217 होगा। अब देखिए 217 किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में 217 दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन कभी भी दोस्तों क्यूब से, स्क्वायर से रिलेटेड हो तो जब संख्या आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, इसमें क्यूब करके 1 जोड़ा है, कभी कभी 2 जोड़ देता है, 5 जोड़ देता है या कुछ जो घटा भी देता है, ठीक है, ऐसे आप थोड़ा सा जब दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से संख्या को देखेंगे तो आंसर आपको दिख जाएगा, ठीक है। और कम कम गैप रहता है तो हम क्या करते हैं, अंतर देखते हैं, ठीक है, ज्यादा ज्यादा गैप रहता है तो ज्यादातर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई गुणा के सेंस में सोचेंगे या क्यूब के या स्क्वायर के सेंस में सोचेंगे, ठीक है, जल्दी से ऐसे सोचा जाता है, तुरंत आंसर भी मिल जाता है। तो इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और बता दूं, लास्ट में दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, टेस्ट के तौर पे है, होमवर्क के तौर पे, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, आप सभी दोस्त सही आंसर कमेंट करते हैं, यानी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है, यानी जिनकी भी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है सारे लोग कमेंट करते हैं, तो आप भी कमेंट करिएगा जितने लोग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में किंग, KING को PRMT लिखा जाए
तो मैन यम ए एन को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे दोस्तों ये किंग के आई एन जी को कैसे दोस्तों पी आर एम टी लिखा है। ठीक है, तो इसको दोस्तों सोचने का दो तरीका होता है। देखिएगा, एक होता है दोस्तों विपरीत अक्षर लिखा जाता है, कहने का मतलब है ये के दोस्तों जो है ना आपका, ये के कितने नंबर पे आता है, के को क्या लिखा है। देखिए के को पहले देखिए, पहले क्या सोचना है, के क्यों लिखा क्या है, के को ये पी लिखा है, आई को क्या लिखा है आर, एन को लिखा है एम, जी को लिखा है टी। तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूं समझ में आ जाएगा, ये दोस्तों के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। अब देखिए, और ये जो दोस्तों जो पी है ना, इसका पी को क्या करना है दोस्तों, जेड की तरफ से काउंट करेंगे तो ये भी 11 नंबर पे आएगा। कहने का मतलब है दोस्तों ये उल्टा लिखा है, विपरीत। देखिए विपरीत कैसे लिखा जाता है, थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे दोस्तों मैं बोलूँ ए बी और ऐसे सी डी ई एफ, समझिएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझ लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। इफ एफ हो गया, फिर उसके बाद से जी एच आई, उसके बाद से क्या करना है दोस्तों जे, उसके बाद क्या होगा दोस्तों के एल एम। ठीक है, यहां तक आपको एम तक लिखना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद इसके जस्ट नीचे लिखना है और उल्टा लिखना है। इधर देखिए एम के बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिए याद है आपको तब तो सही है, नहीं याद है तब ये करेंगे, याद आप कर लीजिएगा किसका क्या विपरीत होता है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए पहले एन, फिर देखिए एम एन हो गया, फिर ओ पी, फिर क्या करना है क्यू आर एस टी यू भी और डब्लू एक्स वाई, यहाँ पे वाई है और ये जेड। अब देखिए ए का विपरीत दोस्तों क्या होगा, जेड होगा। ठीक है, जी का विपरीत क्या होगा, टी होगा। ऐसे समझ रहे हैं ना। अब देखिए मैं यहाँ पे आप थोड़ा सा समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। देखिए के को क्या लिखा है, पी। अब देखिए दोस्तों के का विपरीत यहाँ पे दिया क्या है, देखिए यहाँ पे के का विपरीत अक्षर है आपका पी। आई को क्या लिखा है, आर। तो आई देखिए आई कहाँ है, आई यहाँ पे, आई को दिखाई आर लिखा है। ठीक है, एन है ना, एन को क्या लिखा है, एम। एन देखिए नीचे यहाँ पे एन का उल्टा एम। ठीक है, और देखिए जी है ना, जी को लिखा है टी। अब जी देखिए जी यहां पे, जी को क्या लिखा है, टी। इसी प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों, विपरीत लिखना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आप इधर से काउंट करेंगे तो या उधर से काउंट करेंगे, दोनों एक ही नंबर पे आएगा। ठीक है, तो एम का दोस्तों विपरीत क्या होगा, आप बताइए एम का क्या होगा, एन होगा। ये सब आपको याद होना चाहिए, एम का क्या होगा दोस्तों, एन हो जाएगा। और ए का दोस्तों क्या होगा, ए का देखिए ए का होगा जेड। ए इधर से पहले नंबर पे आता है, जेड लास्ट से पहले नंबर पे आता है, तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड हो जाएगा। और एन का दोस्तों क्या होगा, एन का दोस्तों होगा एम। देखिए एन का एम यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, तो एन जेड एम, एन जेड एम देखिए अब किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और इस पे दोस्तों ये जो दिया गया है ना, ये ए बी सी डी जो उल्टा इसका होता है, ये इस टाइप पे क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसको क्या करना है दोस्तों, आप याद कर लीजिएगा। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छा ट्रिक भी बता दूंगा कैसे याद किया जाता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, और वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को कैसे वेन डायग्राम को सॉल्व करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझिए, अभी मैं आपको संसारा क्लियर कर दे रहा हूं कैसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दोस्तों नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं, सही वेन डायग्राम बनाना है किसका, गायक लड़के नर्तक। तो दोस्तों आपके एग्जाम में कभी भी वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, जो वेन डायग्राम में दोस्तों जो शब्द दिया गया है उन्हीं शब्दों पे दोस्तों आपको विचार करना होता है कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। कहने का मतलब है दोस्तों ये गायक है, लड़का है, नर्तक है। अब इसके बारे में आपको क्या करना है, थोड़ा सा विचार करना है, सोचना है। देखिए कैसे सोचना है ये भी मैं बता रहा हूं, गायक कौन होता है, ठीक है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, गायक जो गाना गाता है। लड़का कौन होता है, लड़का भी आपके दिमाग में आ गया। नर्तक कौन होता है, नाचने वाला कौन होता है, ये भी आपके दिमाग में आ गया। ठीक है, बस ऐसे सोच लिए। अब देखेंगे इनका एक दूसरे से रिलेशन कैसा है। अब देखिए रिलेशन कैसे निकालना है, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये लड़के हैं ना दोस्तों, लड़के, तो कुछ लड़के दोस्तों गायक होते हैं, गायक होते कि नहीं, और कुछ लड़के दोस्तों नर्तक होते हैं, क्लियर है।
कुछ लड़के दोस्तों गायक होते हैं, कुछ लड़के नर्तक होते हैं, और कुछ लड़के दोस्तों गायक और नर्तक दोनों होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका इमेज कैसे बनेगा, वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये बना लिए दोस्तों लड़कों का सर्कल, ठीक है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, कुछ लड़के गायक होते हैं, सभी लड़के तो गायक नहीं होते, इसलिए कुछ लड़के गायक होते हैं, ठीक है, इतना कर लिए। फिर यहाँ पे और कुछ लड़के दोस्तों गायक के साथ साथ नर्तक भी होते हैं, यानी कि नर्तक भी होते हैं, कुछ लड़के क्या होते हैं, नर्तक होते हैं। तो इसका इमेज कैसे बनेगा दोस्तों, इस टाइप से बनेगा, कुछ लड़के नर्तक होते हैं, ठीक है, इसका इस तरह से बन गया। और कुछ लड़के गायक नर्तक दोनों होते हैं, तो क्या है दोस्तों, वो यहाँ पे जो बीच में है ना, ये वाला जो बचा हुआ, जो देखिएगा, जो कलर कर रहा हूं, जो भाग रंग रहा हूं, ये क्या है, यहाँ पे कुछ लड़के गायक के साथ साथ नर्तक भी होते हैं, उसको ये वाला भाग प्रदर्शित करता है, यानी बीच वाला। अब देखिए इस टाइप से दोस्तों किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है फिगर, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में इस टाइप से दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। बस आपको इसमें दोस्तों करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तुरंत इसका आंसर मिल जाता है, ठीक है। दोस्तों एक चीज और बता दूं, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और शेयर भी किया करिए फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम पे और जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। और डेली दोस्तों मैं आपको बता दूं 8 PM पे वीडियो देता हूं, डेली शाम 8 बजे वीडियो देता हूं, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग, और सारे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप एग्जाम देंगे तो दोस्तों देखेंगे कि यही सब क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको बहुत ईजी लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है, और मैं बहुत ही आपको आसान तरीका भी बताता हूं सॉल्व करने का, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप डेली पढ़ा करिए, अच्छे से पढ़ा करिए, और किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम भी हो रही है तो आप नीचे जरूर कमेंट किया करिए, ठीक है। डेली पढ़ेंगे तभी सारे आपके चैप्टर क्लियर होंगे, ठीक है। और जितने दोस्तों पार्ट मैं करा रहा हूं, डेली आप हर एक पार्ट को पढ़ा करिए, हर एक पार्ट जब करेंगे एग्जाम देंगे दोस्तों आप पार्ट वाइज जब पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसलिए सारे पार्ट को आप देखिए और डेली पढ़ा करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर, कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लास्ट वाले फिगर में, यहाँ पे कॉर्नर पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। दोस्तों लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले यहाँ पे पूछा क्या है मिसिंग नंबर, यहाँ पे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे 3 बॉक्स दिया गया है, ठीक है, तो देखेंगे दूसरा बॉक्स में यहाँ पे 18 है, पहला बॉक्स में 13 है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 13 कैसे आया, यहाँ पे 18 कैसे आया, जैसे दोस्तों यहाँ पे 13 आया है, जैसे दोस्तों यहाँ पे 18 आया है, वैसे ही दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे हम वो संख्या लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, समझिएगा, ये दोस्तों ये 13 है ना, ये 13 दोस्तों ये 2, 4 और 5 इन तीनों को दोस्तों मिला के ही ये क्या किया है, 13 लाया है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 4, 2, 5 को हम क्या करें कि 13 हो जाए, तो इसको जोड़िए 4, 2, 6, 5, 11 होगा, 13 नहीं होगा, ठीक है। जब ये 13 नहीं होगा तब क्या करेंगे दोस्तों, अगर जो देखिए आप जोड़ेंगे 4, 2, 6, 6, 5, 11, 11 में क्या करेंगे दोस्तों, 2 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, लेकिन आपका अगला जो आपका फिगर है वो भी वैसे होना चाहिए, इसमें भी जोड़ेंगे दोस्तों तो 4, 3, 7 और 7, 6 दोस्तों क्या हो जाएगा, 13, 13 में दोस्तों 2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 13 में दोस्तों जोड़ेंगे 2 तो 15 हो जाएगा, 18 नहीं होगा। तो प्रश्न को हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, तब कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं। अगर जो दोस्तों मैं बोलूं इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करिए, गुणा कर दीजिए, 4 और 2 को दोस्तों आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और 8 हो जाएगा, और 8 को क्या करिए दोस्तों, इस 5 में जोड़ दीजिए, इस 5 को 8 में जोड़ दीजिए, कहने का मतलब यही है, 4 × 8 और 8 5 से दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 यहां पे दिया हुआ है। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट वाले को देखेंगे कैसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, अब देखते हैं 3 × 4 कर लेंगे, 3 × 4 दोस्तों इसको करेंगे तो क्या होगा, 3 × 4 = 12 और 12 में दोस्तों इस 6 को जोड़ दीजिए, 12 × 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 और देखिए 18 यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों जो प्रश्न का आंसर देना है आपको उसका आंसर करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, इस प्रश्न का आंसर देंगे कैसे, 4 × 9 दोस्तों 9 करेंगे तो क्या होगा, 4 × 9 = 36 और 36 में दोस्तों क्या करेंगे, इस 3 को जोड़ देंगे, 36 × 3 दोस्तों क्या होगा, 39 होगा, 39 होगा ना, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, 39। अब देखिए 39 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
पांचवा क्वेश्चन। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, दोस्तों आप लोगों की काफी डिमांड थी कि हम करंट अफेयर की डेली वीडियो प्रोवाइड करें, तो दोस्तों आपको बता दूं हम अपने साथ एक करंट अफेयर के बहुत ही अच्छे सर को रख लिए हैं, और करंट अफेयर डेली दोस्तों मॉर्निंग में वो 5 AM यानी सुबह दोस्तों 5 बजे डेली करंट अफेयर की वीडियो देते हैं, और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराते हैं, जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाने की जिन प्रश्नों की संभावना होती है वो सारे क्वेश्चन कराते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताते हैं, उस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन वहां पे आपके दोस्तों को कवर हो रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों डेली मॉर्निंग में 5 AM पे दोस्तों आप करेंट अफेयर जरूर पढ़ा करिए, और साथ ही साथ वो टेलीग्राम पे PDF भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको PDF दोस्तों लेनी है तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे SSC Maker सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लेंगे तो आपको डेली PDF भी मिलने लगेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका पांचवा प्रश्न है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़िएगा क्वेश्चन है, यदि 264*2=6, 870*3=11, तो 735*5 कितना होगा, यह चीज आपको बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएंगे तो आप क्या करेंगे, ये जो दिया है ना 264*2=6, पहले देखेंगे इतना बराबर ये 6 कैसे आया, इतना बराबर 11 कैसे आया, इतना बराबर जैसे दोस्तों 6 आया है, इतना बराबर जैसे जो 11 आया है, उसी प्रकार से दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए करना क्या है दोस्तों, आपको बस इतना ही करना है। ठीक है, 264*2 हम इसको क्या कर दे कि 6 आ जाए। ठीक है, अगर जो मैं दोस्तों बोलूं इसको, देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये 264 है ना, 264 को आप क्या करिए दोस्तों, 2 से भाग कर दीजिए। यहाँ स्टार जो सिंबल है ना, यहाँ समझ लीजिए भाग का सिंबल है। ठीक है, 264 को क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, भाग करिए तो ये कितने बार में, 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 132 आया। 132 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 132 को क्या करिए दोस्तों, आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़िए 134 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 6 क्या होगा, 6 हुआ, 6 बड़ा यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, अब ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों ये 870*3 है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, 870 है इसको हम 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, 3 से दोस्तों जब भाग करेंगे इसको तो ये देखिए 3 × 6 हो जाएगा, फिर 27 होगा, 3 × 9 = 27 और 0, 290 किन संख्याओं से, 290। अब क्या करिए दोस्तों, इसको आपस में जोड़ दीजिए, 2 × 9 = 11, 11 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 11 ही होगा। ठीक है, अब देखिए बराबर में 11 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, अब जिसका आंसर देना है हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आंसर किसका देना है, 735*5 को। देखिए 735 को दोस्तों क्या करेंगे, अब देखिए 735 को आप 5 से भाग करिए। ठीक है, 5 से भाग करेंगे दोस्तों तो 5 × 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहां 23 हो जाएगा, तो यानी 5 × 20 और फिर 35 हो जाएगा, तो 5 × 7 = 35, यानी क्या आया दोस्तों, 147। क्या आया दोस्तों, तो 147 को कैसे लिखेंगे, 1 + 4 + 7। ठीक है, अब इसको क्या करिए दोस्तों, आपस में जोड़ लीजिए, 4 × 5 = 5, 1 × 4 = 5 और 5 और 7 जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। और 12 देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका आज का प्रश्न है, और इसका आंसर दोस्तों क्या करना है, सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, और जिन दोस्तों को इसका सही आंसर नहीं पता है वो क्या करेंगे दोस्तों, रीजनिंग का पार्ट नंबर 28 देख लेंगे। पार्ट नंबर 28 का दोस्तों ये पांचवा प्रश्न है, और पार्ट नंबर 28 में इसको फुल डिटेल में मैं समझाया हूं किस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है। पार्ट नंबर 28 दोस्तों आपको मिलेगा कहां से, तो इसका लिंक दोस्तों यहां पे आई बटन पे दे दिया हूं दोस्तों, यहां पे आई बटन पे आप क्लिक करके डायरेक्ट पार्ट नंबर 28 देख सकते हैं। एक चीज और बता दूं जो नए स्टूडेंट है उनके लिए दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे की एग्जाम देंगे, SSC की एग्जाम देंगे, या अगर आप कोई सभी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों, इस ईबुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया जो प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं दोस्तों। इसको आप लेंगे कहां से, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके इस ईबुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से दोस्तों किसी प्रकार की समस्या भी होती है, तो ये पंचम पब्लिशर का कस्टमर
के नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूँ, इसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए, जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एक चीज और बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, और जो नए दोस्त होंगे वो नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से दोस्तों सब्सक्राइब दोस्तों लिखा होगा, सब्सक्राइब दोस्तों लिखा होगा, और आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा। जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा, तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।